48 घंटे के अंदर अमेरिका में मास शूटिंग का दूसरा वाकया। शुमाली कैलिफोर्निया के साहिली शहर हॉफ मून के दो मकाम पर हुई फायरिंग से 7 अफराद जहां बहक। शहर की शेरिफ क्रिस्टीना कॉर्प्स के मुताबिक 2 अलग अलग मकाम पर हुई फायरिंग। हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 रोज पहले मास शूटिंग में 11 अफराद हुए थे हलाक। स्वीडन की नाटो में शमूलियत को लेकर तुर्की का मौकिफ और हुआ सख्त। मुसलमान और तुर्की मुखालिफ मुजाहरों के बाद सरदर एर्दोगान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अनकरह से हमदर्दी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुर्की की मुखालिफत के बावजूद अमेरिका को उम्मीद है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की रुकनियत के लिए तैयार है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने स्वीडन में मुस्लिम मुखालिफ मुजाहरों पर किया तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा कि किसी मजहबी मुकदस को नजर आतिश करना तौहीन आमेज बात है। उन्होंने कहा कि कुछ अमल कानून जायज हो सकते हैं लेकिन इसके नतीजे खौफनाक साबित हो सकते हैं। रूसी पार्लियामेंट के चेयरमैन वेशलाव वोलोडिन ने तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ से की मुलाकात। सहाफियों से बात करते हुए वोलोडिन ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत कर नाटो दुनिया को जंग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। नाटो को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जदीद असलहा सप्लाई करने का नतीजा खतरनाक साबित हो सकता है। सदर पुतिन के करीबी माने जाने वाले वोलोडिन 2016 से स्टेट डेमो के चेयरमैन के अहदे पर फाइज हैं। पासदारा ने इनकलाब को दहशतगर्द ग्रुप का दर्जा देना यूरोपियन अदालत के फैसले से है मशरूत। ईयू खारजा उमूर के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि जाति पसंद और नापसंद से किसी ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं किया जा सकता। बोरेल ने कहा कि जब तक ईयू मेंबर मुल्क की कोई अदालत इस बारे में फैसला ना दे उस वक्त तक पासदारा ने इनकलाब को दहशतगर्द ग्रुप नहीं करार दिया जा सकता। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की अस्करी इमदाद को दी मंजूरी। फौज इमदाद के तौर पर ईयू यूक्रेन को देगा 500 मिलियन यूरो। इसके अलावा ट्रेनिंग मिशन के लिए भी यूक्रेन को दिया जाएगा 45 मिलियन यूरो। ब्रसल्स में ईयू वज़रा खारजा की मीटिंग में इमदाद को दी गई मंजूरी। बता दें कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ईयू ने 7वीं दफा यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद का ऐलान किया है। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन को हैवी टैंक फराहम करने को लेकर जर्मनी में भी एक मीटिंग हुई थी लेकिन इत्तेफाक राय न बन पाने के सबब यूक्रेन को मायूसी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने मरकज और सूबाई हुकूमत में तब्दीली का दिया इशारा। वीडियो पैगाम में जेलेंस्की ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए सीनियर अहदों पर नए लोगों की तकर्री की जा सकती है। बता दें कि हुकूमत पर शामिल लोगों पर बदउनवानी का इल्जाम लगने के बाद सदर जेलेंस्की ने हर सतह पर बदउनवानी के खात्मे की बात कही थी। बिजली सप्लाई शुरू होने से 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में मामूल पर लौटी जिंदगी। गुज़िश्ता पीर की सुबह नेशनल पावर ग्रिड फेल होने से स्कूल अस्पताल मेट्रो और कारोबारियां सरगर्मियां हो गई थी ठप। वजारत तवानाई के मुताबिक नेशनल ग्रिड में आई खामी को दूर करने के बाद मुल्क के सभी 1112 ग्रिड मामूल के मुताबिक काम करने लगे हैं। बता दें कि इससे कबल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी नेशनल ग्रिड पावर बैठ गया था। उसके बाद से ही मुल्क में कहीं ना कहीं ब्लैकआउट होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे सिपास और केरन काशनोफ। चोट की सबब अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्दो ने बीच में ही छोड़ा मुकाबला। कोर्दो ने जिस वक्त मैच से हटने का फैसला किया उस वक्त केरन 7-6, 6-3 और 3-0 से आगे चल रहे थे। बता दें कि सेबेस्टियन कोर्दो के वालिद पीटर कोर्दो 1998 में ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन रह चुके हैं। दूसरे क्वार्टर फाइनल में यूनान से स्टेफानोस सिपास ने चेक जमहूरिया की यायरी लोहाशेक को सीधे सेट में 6-3, 7-6, 6-4 से शिकस्त देकर चौथी दफा ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रोनाल्डो की क्यादत में अल नसर ने पहले ही मैच में हासिल की जीत। सऊदी लीग के अहम मुकाबले में अल इत्तेफाक क्लब से क्लब को दी 1-0 से शिकस्त। मैच का वाहिद गोल पहले हाफ के 31वें मिनट में एंडरसन तालिस्का ने किया और इस जीत के साथ ही अल नसर ने पॉइंट टेबल में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। 14 मैच से अल नसर के 33 जबकि अल हिलाल दूसरे नंबर पर हैं।